स्टूडेंट्स, अपन लोगों ने कल के जो किसान आंदोलन जो अपन पढ़ रहे थे उसमें अपन ने देख लिया था कि 1913 के अंदर जो भी किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, जैसे साधु सीताराम दास और जितने भी नेतृत्व करता थे, उन सबको जेल में डाल दिया गया। अब आज अपन इससे आगे देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो 1913 में उनको जेल में डाल दिया गया था, ठीक है, यहाँ तक कल खत्म हुआ था वीडियो। और आज 1914 में प्रताप सिंह की मृत्यु हो जाती है, जिस प्रताप सिंह ने जेल में डाला था उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। वो कहते हैं ना कि बुरे काम करते हो तो भगवान आते और बताते हैं, तो प्रताप सिंह भी जाते रहियो। प्रताप सिंह गया 1914 में। अब देखिए हुआ क्या, प्रताप सिंह 1914 में गया तो उसका जो बेटा था केसरी सिंह थोड़ा नाबालिग था, इसलिए उस समय वहां का स्वामी बनाना उचित नहीं था। इसलिए मेवाड़ सरकार ने क्या किया, उस जो बिजोलिया था उसको उन्नीस सौ तेरह में तो उनको जेल में डाला गया था। अच्छा। साधु सीताराम दास को 1914 में होती है। अच्छा। इसकी मृत्यु जब तक है 1914 में। तो 1913 में उनको जेल में 1914 में इसकी मृत्यु जाती है तथा केसरी सिंह इसका जो पुत्र था वो थोड़ा नाबालिग था। अब केसरी सिंह नाबालिग था इसलिए उसको वहां का उत्तराधिकारी बनाना उचित नहीं था, इसीलिए मेवाड़ सरकार ने इसे मुसमात जो घोषित कर दिया था। फिर मेवाड़ सरकार ने यहाँ क्या किया, अमर सिंह राणावत को यहाँ का स्वामी बनाया। किसको बनाया, मेवाड़ सिंह राणावत को। अब देखिए यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गई, थोड़ा आगे चलते हैं। 1915 के अंदर विद्या प्रचारणी सभा, जिसकी स्थापना किसने की थी, हरि किंकर भाई ने विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, और उसी की एक शाखा 1915 में साधु सीताराम दास ने डूंगर सिंह भाटी और ईश्वरदास आंशिया की सहायता से बिजोलिया के अंदर इसकी एक शाखा जो है चलाई। किसकी शाखा, विद्या प्रचारणी सभा की, और इसके संस्थापक कौन थे, हरिशंकर किंकर, ठीक है। और इसी की 1915 में बिजोलिया में शाखा किसने चलाई, साधु सीताराम दास ने, और किसकी सहायता से चलाई, डूंगर सिंह भाटी और ईश्वरदास आचार्य की सहायता से। तो देखिए उस सभा के अंदर क्या होता था कि हर वर्ष वार्षिक जलसे होते थे, यानी हर वर्ष जुलूस निकलता था। तो वार्षिक जलसा निकलता था चित्तौड़ में, क्योंकि ये मेन तो मुख्य जो इसका ऑफिस था वो कहां था, चित्तौड़ के अंदर। तो साधु सीताराम वहां पहुंचे, उस जलसे के अंदर पहुंचे, क्योंकि उन्होंने इनकी शाखा चला रखी थी। तो साधु सीताराम वहां पहुंचे और वहां उनकी मिलान होती है विजय सिंह पथिक से वो मिलते हैं, और विजय सिंह पथिक से इतने प्रभावित होते हैं कि उन्हें जो बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था उस किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि यार इतना हमारे स्थिति थोड़ी गंभीर है, नेतृत्व करता चाहिए, मजबूत नेतृत्व करता चाहिए। तो विजय सिंह पथिक वैसे भी जो है सामाजिक कार्यों में अपना जो रुचि रखते थे, और समाज के लिए अगर समाज के साथ गलत होता था तो हमेशा वो जो है खड़े रहते थे। तो विजय सिंह पथिक ने उनके इस बात को स्वीकार किया, और 1916 के अंदर विजय सिंह पथिक की एंट्री होती है बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर। बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर 1916 में विजय सिंह पथिक आते हैं, और विजय सिंह पथिक जो है उसका नेतृत्व करते हैं, किसका, बिजोलिया किसान आंदोलन का, ठीक है। विजय सिंह पथिक की एंट्री हो चुकी है, कब होती है, 1916 के अंदर, ठीक है। कैसे हुई है मैंने आप सबको बता दिया कि वो जो है साधु सीताराम वहां जलसे में गए थे, वहां उनका मिलान हुआ, वहां उन पर इनको रिक्वेस्ट की, और 1916 में इन्होंने नेतृत्व को संभाला। अब इनके नेतृत्व से जो पहले नेतृत्व संभाल रहे थे माणिक्य लाल वर्मा, ये इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने जो है इनसे प्रभावित होकर इनको पूरा जो है कार्यभार सौंप दिया कि हाँ वास्तविक में ये जो अभी एंट्री ली है विजय सिंह पथिक ने, वाकई में दमदार दृढ़ मजबूत जो नेतृत्व करता है, नेतृत्व को अच्छे से चलाएगा। तो इन्होंने सारा काम किसको संभाला दिया, विजय सिंह पथिक को। देखिए विजय सिंह पथिक का थोड़ा सा जुड़ी हुई थोड़ी सी कहानी, इनका पहले नाम था भूप सिंह गुर्जर के नाम से प्रसिद्ध थे विजय सिंह पथिक, लेकिन बाद में इन्होंने दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के इन्होंने अपने नाम में चेंजेस कर दिया और भूप सिंह से ये बन गए विजय सिंह पथिक, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विजय सिंह पथिक का पूर्व नाम क्या था, तो भूप सिंह गुर्जर और विजय सिंह पथिक दोनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब देखिए 1916 में एंट्री हुई, 1917 के अंदर इन्होंने क्या किया, हरियाणा अमावस का दिन था उस दिन, 1917 के अंदर इन्होंने
बहिसार गांव उपरमाड़ के अंदर किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना की, यानी पंचायत बोर्ड की इन्होंने क्या कर दी, स्थापना कर दी संगठन इसको किसान आंदोलन को गति देने के लिए। तो जैसे ही उसकी स्थापना की, तो क्योंकि स्थापना की तो इस पंचायत का एक सरपंच चाहिए, मुखिया तो चाहिए, तो उसका मुखिया बनाया गया मन्ना जी, मन्ना पटेल को। किसको बनाया गया? मन्ना पटेल को। किसके द्वारा बनाया गया? विजय सिंह पथिक के द्वारा। तो यहाँ तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी, और इससे पहले वाली आप सबको क्लियर हो चुकी होगी। किसान आंदोलन चल रहा है, 44 साल तक चला है, थोड़ा लंबा आंदोलन है, तो इसको समझने में थोड़ा टाइम भी लगेगा हमें। चलिए ठीक है, तो थोड़ा क्या पारिवारिक मकान ही चलता रहता है, मुझे तो ऐसा लगा था विजय सिंह पथिक ना के बारे में डर गया था, विजय सिंह पथिक के बारे में बढ़ा रहे एंट्री नहीं होगी। चलिए यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इससे आगे अपन बढ़ते हैं, लेकिन इससे एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। सारी जो तारीखें है बिल्कुल सीक्वेंस से चल रही है, और सारी चीज आप लोगों को समझ में आ रही है। तो देखिए 1897 में वो वहां पे किसान जो बना था उसका वो गंगाराम धाकड़ के वहां सब एकत्रित हुए थे, और फिर वहां से उदयपुर भेजा गया था। फिर 1903 में कौन सा कर लगाया गया था, आप ही लोग बताओगे कौन सा कर लगाया गया था, चवरी कर लगाया गया था। फिर चवरी कर लगाने के बाद में क्या हुआ, इस चवरी कर को आधा कर दिया गया, और बाद में 1906 में किसकी मृत्यु हो जाती है, राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1906 में राव कृष्ण की मृत्यु हो गई, फिर नया राजा बनता है प्रताप सिंह। प्रताप सिंह एक और कर लेकर आता है, कौन सा कर लेकर आता है, तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर से फिर किसान नाराज हो जाते हैं, और इस बार जो टैक्स देना बंद कर दिया। तो प्रताप सिंह ने क्या किया, 1913 में जितने भी नेतृत्व करता थे सबको क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। फिर 1914 में मृत्यु हो जाती है किसकी, प्रताप सिंह की। 1914 में किसकी मृत्यु होगी, प्रताप सिंह की। उसका बेटा नाबालिग था इसलिए उन्हें बनाया नहीं गया, इसलिए मेवाड़ सरकार ने उसे मुस्तमाद जो है घोषित कर दिया गया। तो 1915 में, अरे इससे पहले घटना हुई थी, मेवाड़ सरकार ने वहां पर अमर सिंह राणावत को क्या किया था, वहां का स्वामी बनाया था। तो 1915 के अंदर जो विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी, 1915 में स्थापना नहीं की थी, 1915 में जो एक संस्था थी विद्या प्रचारिणी सभा, जिसके संस्थापक थे हरिशंकर किंकर भाई जो थे, तो उन्हीं की 1915 के अंदर शाखा लेके आए कौन किशन साधु सीताराम दास जो थे, 1915 में उसी विद्या प्रचारिणी सभा की एक शाखा इन्होंने कहा खोली बिजोलिया के अंदर, ठीक है। 1916 में किसकी एंट्री होती है, 1916 में बाई की एंट्री होती है विजय सिंह पथिक की बिजोलिया किसान आंदोलन में, ठीक है। फिर 1917 में ये क्या करते हैं, बेरीसाल गांव में ऊपर पंच बोर्ड की जो है स्थापना करते हैं, किसान पंच बोर्ड की स्थापना ये कहां करते हैं, ऊपरमाल के अंदर, और उसका सरपंच किसे बनाते हैं, मन्ना पटेल को। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे, 3-4 पार्ट में पूरा किसान आंदोलन हो जाएगा। आज 2 पार्ट हो गए, 3 और 4 2 पार्ट में इसको, चारों पार्टों में अपन इसको जो फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।